हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आज हम रीड करने वाले हैं स्टोरी द इंचकेप रॉक। आइए इसको रीड करें। आई एम डैम श्योर कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी एंड प्लस इसका मॉरल वैल्यू भी बहुत यूजेबल है, बहुत यूजफुल है। और अगर आपको भी ऐसा लगे कि ये स्टोरी वाकई में इंटरेस्टेड है और लाइक शेयर कमेंट करने योग्य है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए। आइए इसको रीड करें। देयर वॉज ए बिग रॉक इन ए सी। एक समुद्र में एक बड़ी रॉक थी। इट वॉज हिडन अंडर वाटर। वह पानी में छुपी हुई थी। व्हेन ए शिप स्ट्रक अगेंस्ट इट, इट गॉट रेक्ड। जब भी कोई जहाज, कोई शिप इससे टकराता तो वो टूट जाता, टूटकर चकनाचूर हो जाता। ए काइंड हार्टेड प्रीस्ट टाइड ए लार्ज बेल ऑन द रॉक। एक काइंड हार्टेड प्रीस्ट ने, साधु ने उस रॉक पर एक बड़ी घंटी बांध दी। विद द प्रेशर ऑफ द सी वेव्स द बेल रैंग लाउडली। अब जब समुद्र की लहरें चलती तो उनके प्रेशर से वो घंटी तेजी से बजती। द शिप्स केम टू नो अबाउट द रॉक एंड अवॉइडेड दैट साइड। इससे शिप्स को, दैट मीन्स शिप के ड्राइवर को समझ में आ जाता कि इस साइड से घंटी बज रही है, इस साइड रॉक है, इस साइड वो चट्टान है जिसे टकराकर जहाज चकनाचूर हो जाता है, तो वो अपनी साइड, अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते। देयर वॉज ए क्रूअल हार्टलेस सी पायरेट सर राल्फ द रॉर। वहाँ पे एक क्रूअल हार्टलेस सी पायरेट समुद्री लुटेरा था सर राल्फ। ही स्नैप्ड द बेल फ्रॉम द रॉक एंड इट फेल डाउन इनटू द सी। उसने बेल तोड़ दी और वह बेल टूटकर समुद्र में गिर गई। नाउ द शिप्स गोट नो वार्निंग साउंड। अब जब बेल टूटकर गिर गई और कोई भी जहाज वहां से आता तो बेल तो जब गिर गई तो अब नहीं बजेगी, तो उनको कोई भी वार्निंग साउंड नहीं सुनाई देता कि चट्टान किस तरफ है। दे स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक एंड वर रेक्ड। तो जहाज जो थे वो उस चट्टान से टकरा जाते और टूट के चकनाचूर हो जाते। सर राल्फ लूटेड द शिप्स। इस प्रकार से सर राल्फ जो था, जो समुद्री लुटेरा था, वो बहुत ईजिली शिप को लूट लेता। ही वॉज वेरी हैप्पी। अब वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको लूटपाट करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और ईजिली सब कुछ मिल जाता था। आइए इसको आगे रीड करें। वन डे ए ह्यूज सी स्टॉर्म रोज अप। एक दिन एक बड़ा समुद्री तूफान आया। सर राल्फ्स शिप लॉस्ट इट्स वे इन द सी। सर राल्फ की, जो कि समुद्री लुटेरा था, उसकी शिप, उसका जहाज समुद्र में खो गया, अपना रास्ता भूल गया वो। एज देयर वॉज नो अलार्म बेल इन द सी। अब क्योंकि रॉक के साथ कोई घंटी नहीं बंधी थी और अलार्म बेल नहीं थी कि रॉक कहाँ पर है, राल्फ कुडंट नो अबाउट द रॉक। अब वो रास्ता भी भटक गया था और रोक सामने आ गई और उसको पता ही नहीं चला कि सामने रोक है, उस क्योंकि अलार्म बेल नहीं थी। हिज शिप स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक एंड ब्रोक इनटू पीसेस। उसका शिप क्या हुआ, रोक से टकरा गया और टुकड़ों में टूट गया। इट वेंट डाउन डीप इन द सी। और टूटने के बाद वह समुद्र में बहुत नीचे चला गया। विद इट वेंट डाउन सर राल्फ हिमसेल्फ। और इस शिप के साथ साथ सर राल्फ भी मर गया और वो भी डूब गया। मोरल, एज यू सो सो शैल यू मोव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस। बाय बाय, हैव अ लवली डे।